चादरें चढ़ती हैं, उतरती हैं, इनकी भी साइकिलिंग। मेरा भगवान, अब लोग समझते होंगे कि इस चादर से साहिब मजार को फायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। साहिब मजार को कोई फायदा नहीं, बेहतरीन चादर किसी ने चढ़ाई, फिर उसमें कोई सादा चादर चढ़ाते फिर छुप जाती है। मजार में चादर चढ़ाना जायज है, मैं नाजायज नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये नहीं, इतना ढेर लगा देते हैं यार। मेरे ख्याल में अगर एक दुरूद शरीफ पढ़कर साहिब मजार को भी साले सवाब कर देना, इससे इनको खुशी हासिल होगी। चादर चढ़ाना जायज है, एक चादर हो खूबसूरत सी, बेशक उसमें दुरूद कलमा जो भी लिखा लिखा हुआ, लोगों पर इसका रोब असर होता है। साहिब मजार को अब भी इसका चादर का कोई फायदा नहीं। तो ये फूल अगर मजार पर हमने रखे तो ये जब तक तर रहेंगे अल्लाह पाक की तस्बीह करेंगे, इससे नफा है साहिब मजार का, वो फायदा है। बेहतरीन चादर पर बिल्कुल वो सस्ती वाली चादर आ जाती है, फिर उस पर फूल आ जाते हैं, फिर उस पर इस तरह होता है हमारे यहाँ जहाँ मशहूर मजारात होते हैं, और गालिबन चादरें फिर वो साइकिलिंग भी होती हो तो गालिबन सुना तो है वैसे, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। देखो किसी को गलत फहमी ना हो जाए, चादर को मैंने नाजायज नहीं कहा, मजार पर चादर चढ़ाना जायज है।